तो बात करते हैं एक और दल बदल के चलते कांग्रेस के नुकसान के बारे में। जो यहां कांग्रेस को एक और बड़े झटके की तैयारी अब कर लेनी चाहिए। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस विधायक सचिन बिरला। खारवा की सभा में सीएम के साथ देखे गए हैं सचिन बिरला। वहीं हेलीकॉप्टर में भी साथ बैठकर आने की खबरें सामने आ रही हैं। बेड़िया में सीएम की सभा में हो सकता है औपचारिक ऐलान। बड़वाहा में कांग्रेस विधायक हैं सचिन बिरला। तो दल बदल के चलते सत्ता से हाथ दो बैठी कांग्रेस को रविवार को एक और बड़ा झटका लग सकता है और इस बात की बहुत संभावनाएं हैं कि सचिन जो बिरला हैं वो बीजेपी में जल्दी शामिल हो जाएंगे। तो आपको बता दें खरगोन से कांग्रेस के एक विधायक हैं, बीजेपी का दामन थाम सकते हैं और तमाम कोशिशों के बाद भी कांग्रेस अपने कुनबे को समेट नहीं पा रही है। एक एक करके कांग्रेसी नेता पार्टी से पलायन कर रहे हैं। वहीं अगर बात करें दिग्विजय सिंह की तो सचिन बिरला के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर उन्होंने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जो बिकाऊ है वो बिकेगा। दिग्विजय सिंह ने ये कहा है। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस विधायक सचिन बिरला और जब इसी बाबत उनसे सवाल पूछा गया तो उनका यही कहना है जो बिकाऊ है वो बिकेगा। आए सुनते हैं। भाजपा में जाने वाले ज्यादा रहती है जो बिका हुआ है वो बिकेगा। ज्यादा रहती है जो बिका हुआ है वो बिकेगा। बिरला को लेकर चर्चाएं सुनने में आ रही है कि भाजपा में जाने वाले ज्यादा रहती है जो बिका हुआ है वो बिकेगा। ज्यादा रहती है जो बिका हुआ है वो बिकेगा। तो इस पूरी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पर मनोज सैनी जुड़े हैं, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। उनसे हम जानते हैं ये पूरी खबर के बारे में। आपसे हम यही जानेंगे मनोज जी कि प्रदेश के अध्यक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, बावजूद इसके कमलनाथ के खेमे से एक के बाद एक जो हैं उनके प्यादे निकलते जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल देखिए शायदा, और ये बड़ा सवाल भी खड़ा होता है और एक रणनीति के तौर पर भी देखें तो भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार बड़ा झटका देने जा रही है कांग्रेस को। और जैसा दिग्विजय सिंह भी कह रहे थे कि जो बिकाऊ है वो बिकेगा, तो मुझे लगता है इस बात का आभास अब उन्हें भी हो चला है और इसलिए उन्होंने सवाल भी खड़े कर दिए। लेकिन देखना पड़ेगा कि हम देखते हैं जब भी कोई उपचुनाव या चुनाव होते हैं तो उससे पहले भारतीय जनता पार्टी एक रणनीतिक तौर पर दबाव बनाना चाहती है, एक मैसेज भी देना चाहती है कि ये वही कांग्रेस है जहां पूछ परख नहीं होती है और लोग कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते। थोड़ी देर पहले खारवा में देखा भी गया है सचिन बिरला को शिवराज जी के साथ, कुछ वीडियोस में वो नजर भी आए हैं, तो इसका मतलब यही है कि थोड़ी ही देर बाद वो दामन भी थाम लेंगे। अभी भेड़िया में सभा होगी, पहुंचने वाले शिवराज सिंह चौहान, और चर्चा ऐसी है कि सचिन बिरला मां भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेंगे। अब बड़ा सवाल यही कांग्रेस के भीतर से आता है कि आखिर ऐसा क्या चल रहा है कि एक के बाद एक लोग कांग्रेस को छोड़ते हैं, बीजेपी में चले आते हैं। सुलोचना रावत जो वट से अभी हाल ही में शामिल हुई है, जिन्हें हमने देखा कि प्रत्याशी बनाया है, सचिन बिरला एक विधायक है और वो छोड़कर बीजेपी की तरफ चल पड़े, उससे पहले 28 विधायक छोड़ चुके जिसके कारण सरकार बनी भारतीय जनता पार्टी की। तो हमें लगता है कांग्रेस को भी इसमें विचार करना पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। जब वो पूरी तरह दामन थाम रहे होंगे तो हम कह पाएंगे कि अब कांग्रेस छोड़कर सचिन बिरला भारतीय जनता पार्टी के हो गए। लेकिन दिग्विजय सिंह का जो पलटवार हुआ है जिस पर उन्होंने जो कहा है, तो उससे भी अब आशाएं उम्मीदें लगाई जा सकती है कि ये होने जा रहा है और थोड़ी देर बाद सचिन बिरला भारतीय जनता पार्टी के हो सकते हैं। मनोज जी, सवाल एक ये भी होता है कि अगर बिरला पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो पार्टी कांग्रेस पार्टी से वो निकल जाएंगे और उसके बाद शायद विधायकी भी उनकी छूटी जाएगी, तो ऐसे में तो एक और उपचुनाव की तैयारी करनी होगी, क्या कहेंगे इस पे आप? ठीक कह रही, बिल्कुल आप ठीक कह रही है। और फिर एक बार एक नया उपचुनाव हमें देखने को मिलेगा। अब वो भारतीय जनता पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे यदि ऐसा होता है, एक सीट फिर खाली होगी, फिर उपचुनाव देखने को मिलेगा। लेकिन रणनीतिक तौर पर साहिदा मैं आपको बताना चाहूंगा कि सचिन बिरला गुर्जर समाज से आते हैं और खंडवा बुरहानपुर लोकसभा में अच्छा खासा वर्चस्व है इस समाज का, इस जाति का। तो जातिगत समीकरणों के आधार पर भी हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही होगी, क्योंकि लंबे समय से चर्चा चल रही थी सचिन बिरला की कि वो बीजेपी का दामन थामेंगे। जब 28 विधायक छोड़कर गए थे उसके थोड़े दिन बाद ही चर्चा चल पड़ी थी कि सचिन बिरला भी हो सकता है कि बीजेपी में चले जाए। लेकिन बीजेपी समझती है कि कब कौन सा काम करना है और जिसका कहां लाभ मिलेगा
और क्या मैसेज जाएगा। तो हमें लगता है ये समय ठीक चुना उन्होंने, उपचुनाव के बीच में बुरहानपुर में चुनाव भी चल रहा है, बड़वा भी उसी लोकसभा में आती है, तो बड़ा झटका होगा कांग्रेस के लिए। और अब देखते हैं, दिग्विजय सिंह ने जैसा बयान कहा है तो उसी तरह की चर्चाएं चलेंगी कि खरीद लिया है, टिकाऊ है, बिकाऊ है, वही सब फिर एक मुद्दा देखने को मिलेगा भाई। बिल्कुल मनोज जी, आपका धन्यवाद तमाम हमें ये बातें साझा करने के लिए। तो फिर सूत्रों के हवाले से खबर है, अभी हम इस खबर की कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस के एक और जो विधायक है अपना पाला बदलकर बीजेपी में जा सकते हैं। खबर है कि खरगोन के ये विधायक हैं, बड़वा से विधायक हैं सचिन बिरला, और मुख्यमंत्री की सभा में ये बीजेपी में शामिल भी हो सकते हैं।